हेलो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है हाउ टू इंस्टॉल ए विंडो 10। ठीक है, ये हमारा लैपटॉप है, इसमें फिलहाल विंडो 7 है। ठीक है, ये हम चेक कर लेते हैं, इसमें विंडो 7 है, सर्विस पैक 1 है, i3 प्रोसेसर है 2.40 GHz का। ठीक है, 4 GB रैम है, 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये कंपनी की विंडो, इसमें विंडो 7। अब इसमें विंडो 10 कैसे करेंगे? ठीक है, ये हमारे पास पेन ड्राइव है। ठीक है, ये विंडो 10 की बूटेबल पेन ड्राइव है। ठीक है, ये हमने बना रखी है और इसको हम लैपटॉप में लगा देते हैं। ठीक है, पेन ड्राइव हमारी आ गई है डिस्प्ले पे। ठीक है, अब क्या करना है? अब सबसे पहले जो हमारा लैपटॉप है इसको रीस्टार्ट करना है। ये हमारा लैपटॉप रिस्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब हमें जो लैपटॉप की है बायोस ओपन करनी है। ठीक है, F2 प्रेस करना है, जैसे ही हमारा लैपटॉप बंद होता है और स्टार्ट होने लगता है, जैसे मल्टी टाइम हमें जो F2 प्रेस करना है, ये हमारी बायोस खुल गई है। ठीक है, ये हर एक लैपटॉप की, हर एक मदरबोर्ड की अलग होती है। ठीक है, इसका लुक अलग होता है लेकिन फंक्शन सेम होता है। इसमें बूट में हम जाएंगे। ठीक है, और इसमें देख बूट डिवाइस दे रखी है। ठीक है, इसमें जो एक्सटर्नल डिवाइस है वो होती है हमारी पेन ड्राइव, USB DVD राइटर और USB हार्ड डिस्क। ये एक्सटर्नल होते हैं, इंटरनल हार्ड डिस्क ड्राइव, जो लैपटॉप के अंदर जो हार्ड डिस्क लगी हुई है उसको इंटरनल बोलते हैं। ये इंटरनल ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, मतलब ये जो इसके अंदर वो लगा हुआ है राइटर, ठीक है, वो है। ये एक्सटर्नल डिवाइस है, ये हमें पहले नंबर पे लेकर जानी है। ये F और 6 से अप डाउन होंगी। ठीक है, ऐसे हमें पहले नंबर पे एक्सटर्नल डिवाइस चाहिए, मतलब पेन ड्राइव। और ये एक्सटर्नल डिवाइस बूट इसमें डिसेबल कर रखा है। ठीक है, ये अनेबल करना पड़ेगा हमें। ठीक है, और बायोज में इससे अलग आपको कोई भी अलग से एडिटिंग नहीं करनी है। ठीक है, अब हमें F10 दबाना है। अब ये बोल रहा है कि ये जो हमें चेंज किया है इसको सेव कर दिया जाए, हम एंटर दबाएंगे, मतलब यस करेंगे। ठीक है, और जैसे ही हमारा लैपटॉप स्टार्ट होगा, हमारी जो पेन ड्राइव से है, हमारा लैपटॉप बूट होने लगेगा। ठीक है, अब हमें कोई भी एक की दबानी पड़ेगी। देखिए, प्रेस N की टू बूट फ्रॉम USB। ठीक है, अब ये जो विंडो 10 की पेन ड्राइव है, बूटेबल पेन ड्राइव है, ये बूट हो चुकी है। अब इसमें जो विंडो इंस्टॉलिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। अब पहले इसमें विंडो 7 थी। ठीक है, अब विंडो 10 डालेंगे हम, इसमें देखेंगे कि ये कैसे डलेगी। अब देखिए, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट कर देना है, इंस्टॉल नाउ करना है। विंडो डालना ज़्यादा बड़ी माया नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है। यहाँ पे अगर जो आपकी ओरिजिनल DVD है, मतलब ओरिजिनल विंडो है, उसका जो सीरियल नंबर आ रखा है आपका, वो डालना है। लेकिन हमारी जो विंडो है वो पायरेटेड है। ठीक है, ट्रायल वर्जन है। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं। ठीक है, हमें इसमें दो वर्जन है, विंडो 10 प्रो, विंडो 10 होम, हमें कौन सी डालनी है? हम डालेंगे विंडो 10 होम डाल लेते हैं, या फिर प्रो, कोई भी एक चीज़ डाल लेते हैं। ठीक है, हम विंडो 10 होम डाल लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट कर देते हैं, कोई भी डाल सकते हो, एक ही बात है, कोई भी अलग से आपको इसमें फर्क दिखाई नहीं देगा बाद में। ये जो टर्म एंड कंडीशन है इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं फिर से। ठीक है, ये पहले भी बताया मैंने, अपग्रेड करनी है विंडो या कस्टम, हम कस्टम करेंगे, क्योंकि हमें जो ये इसमें हार्ड डिस्क लगी हुई है वो पूरी की पूरी फॉर्मेट करेंगे हम। ठीक है, इसमें हमारा कोई भी काम का डाटा नहीं है, मेरे को बिल्कुल फ्रेश लैपटॉप बनाना है, बिल्कुल फ्रेश, इसमें कोई भी डाटा काम का नहीं है, इसलिए हम कस्टम करेंगे। अपग्रेड करनी होती तो विंडो अपग्रेड हो जाती है और हमारा डाटा ऐसे कैसे रह जाता है। ठीक है, अब ये पहले सारे के सारे पार्टीशन हम डिलीट कर देंगे इसमें से, ये देखिए, और ये डिलीट कर देते हैं। अब हम अपने हिसाब से नए पार्टीशन बनाएंगे फिर।
ये भी, और ये डाटा रिकवरी का है, इसमें इसमें विंडो डली रहती है इनकी ओरिजिनल विंडो, वो भी डिलीट कर दिया हमने। अब इसमें 298.1 GB हार्ड डिस्क दिखा रखा, मतलब इसमें लगभग 320 GB की हार्ड डिस्क है इस लैपटॉप में, ठीक है। अब हमें पहला जो पार्टीशन बनता है वो सी बनता है, ठीक है, मतलब जिसमें विंडो डलती है, वो कितने GB का बना रहे हैं हम, 100 GB का बना देते हैं। और इसको अप्लाई कर देते हैं, 100 GB मतलब 100 है, और उसके बाद 30 मतलब 100,000 MB, मतलब एक में वो उतना होता है 1024 MB, ठीक है, उसके हिसाब से लगभग 100 GB का पार्टीशन बना लेते हैं हम। अप्लाई, ओके, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको बनाने में, ठीक है। विंडो 10 डल रही है हमारी, ठीक है, इसमें 500 GB रिजर्व होता है, ठीक है, सिस्टम रिजर्व, और विंडो 7 डालते हैं तो उसमें 100 MB होता है, सॉरी 500 MB होता है विंडो 10 में, और 100 MB होता है विंडो 7 में, ठीक है। और ये जो डी है इसको हम ऐसा का ऐसा 200 GB का 200 GB बना देते हैं, ठीक है, पूरा पूरा बना देते हैं कि, ठीक है। सी बना हमारा 97.2 GB, ठीक है। अब इन दोनों को फॉर्मेट कर देना है, जो हमारे यूज के हैं पार्टीशन वे फॉर्मेट करने हैं, ना कि ये जो सिस्टम रिजर्व है ये फॉर्मेट नहीं करना आपको, ठीक है। ये जो यूज के हैं सेकंड और थर्ड, मतलब सी और डी, ये दोनों फॉर्मेट करने हैं आपको, ठीक है। ये हमारा डी भी फॉर्मेट हो रहा है। अब हमारी हार्ड डिस्क है वो बिल्कुल साफ हो चुकी है, अगर इसमें वायरस वायरस वगैरह वगैरह सब कुछ साफ हो चुका है, बिल्कुल फ्रेश हार्ड डिस्क का भी है। अब हमें जो सी है इसमें विंडो इंस्टॉल करनी है, और इसको सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट कर देंगे अब, ठीक है। ये विंडो इंस्टॉलिंग का प्रोसेस शुरू हो गया है, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, उसकी कोई नहीं है, ठीक है। ये आ गया, विंडो नीड्स टू रीस्टार्ट टू कंटिन्यू, ये ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं वो दबाने की जरूरत है। ये अपने आप, अब कोई भी की आपको नहीं दबाना, नहीं तो दोबारा से एंड्रॉइड रिबूट हो जाएगा, दोबारा से विंडो इंस्टॉलिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। वो एक बार ही आपको दबाना है प्रेस एनी की, ठीक है। अब ऑटोमेटिक ही सारे काम होते रहेंगे आपके। ये जो अब हमारी विंडो है वो रेडी हो रही है यूज होने के लिए, गेटिंग डिवाइस रेडी, ठीक है, परसेंटेज चल रही है, 100 तक चलेगी, ठीक है। बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना, वो एक दो पॉइंट है शुरू में हार्ड डिस्क के पार्टीशन वगैरह वगैरह बनाने के, ठीक है, उससे अलग तो आपको इस विंडो इंस्टॉल में कुछ करना ही नहीं होता। ये हमारा लैपटॉप फिर से एक बार स्टार्ट रीस्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये विंडो 10 का लोगो फिर से आ गया, ये कुछ बैकग्राउंड में स्टार्टिंग प्रोसेस चल रही है, ठीक है। ये विंडो फिर से प्रोडक्ट की बोल रही है, ठीक है, हम इसको कर देते डू दिस लेटर, ठीक है, इसको हम बाद में करेंगे, स्किप। यहाँ पे हम यूज कर देते हैं यूज एक्सप्रेस सेटिंग, मतलब ये ऑटोमेटिक सेटिंग आपके लैपटॉप की अपने विंडो की अपने आप ही कर लेगा, ठीक है। अब जस्ट ए मोमेंट लिखा आ रहा है, ठीक है,
अब देखते हैं क्या आएगा। अब ये बोल रहा है अपने पीसी का क्या नाम देना चाहिए। ठीक है, हम लिख देते हैं इंटेल, पासवर्ड हम कुछ भी नहीं दे रहे। ठीक है, इसमें पासवर्ड आप बाद में भी दे सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। विंडो बोल रही है हाय। ये लिखा रहा है कि हम आपके लिए जो सेटिंग्स है वो लगा रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि ये ज्यादा समय नहीं लेंगे। अभी आ गया लेट्स स्टार्ट, मतलब अभी विंडो स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारी जो विंडो 10 का है फ्रंट लुक है। ठीक है, अब हमारी जो विंडो 10 है वो इंस्टॉल होके यूज़ के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ठीक है,